विद्यार्थियों, आज हम कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद के नाटक ध्रुव स्वामिनी के बारे में अध्ययन करेंगे। जयशंकर प्रसाद, जैसा कि हम इनके बारे में पहले भी पढ़ चुके हैं, ये छायावाद के कवि और लेखक है। छायावाद में चार महान साहित्यकार हुए, जिनमें जयशंकर प्रसाद का नाम अग्रण्य है। इनके अलावा सुमित्रानंदन पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी, निराला, महादेवी वर्मा इस चतुष्टय में शामिल है। तो सबसे पहले हम जयशंकर प्रसाद जी के बारे में थोड़ा अध्ययन कर लेते हैं। आधुनिक हिंदी के खड़ी बोली काव्य की छायावादी शैली के प्रवर्तक के रूप में बाबू जयशंकर प्रसाद का स्थान सर्वोपरि माना जाता है। जयशंकर प्रसाद जी को लोग केवल प्रसाद के नाम से ज़्यादा अच्छी तरह जानते हैं। इनका जन्म माघ शुक्ला दसवीं संवत 1946 को वैश्य कुल में हुआ था। इनके पिता का नाम देवी प्रसाद था, जो सुंगनी साहू के नाम से वाराणसी नगर में विख्यात थे। इनके कुल में तंबाकू या सुंगनी आदि का व्यवसाय होता था, इसलिए इनको सुंगनी साहू भी कहा जाता है। प्रसाद जी की आरंभिक शिक्षा घर पर ही हुई थी। कुछ समय उपरांत ये बनारस के क्वींस कॉलेज में पढ़ने गए थे। इसी बीच पिता की मृत्यु हो जाने के कारण इनकी पढ़ाई छूट गई और ये अपने कुल के व्यवसाय में ही लग गए। प्रसाद जी बचपन में पढ़ने लिखने में रुचि लेते थे और अपने निज के अभ्यास से अंग्रेजी, हिंदी, संस्कृत, उर्दू में काफ़ी योग्यता प्राप्त कर ली थी। उन्होंने काश्मीर, शैव दर्शन का काफ़ी गंभीरता से अध्ययन किया था। इनकी काव्य साधना में इसका प्रभाव भी देखा जा सकता है। शुरू शुरू में आप ब्रज भाषा में कविता करते थे, बाद में आपने खड़ी बोली में लिखना शुरू किया, जिसमें आपको बहुत अधिक सफलता मिली। कि जयशंकर प्रसाद जी पहले ब्रज भाषा में लिखते थे, उसके बाद में ये खड़ी बोली में लिखने लगे, जिसमें आपको अच्छी सफलता प्राप्त हुई। जयशंकर प्रसाद की ख्याति व्यंजना प्रधान शैली, जो छायावाद के रूप में चर्चित हुई, उनकी पहली रचना आंसू है, जिसमें श्रृंगार और वेदनाओं की अभिव्यक्ति है। कामायनी, जो इनकी अंतिम रचना है, एक वैदिक आख्यान है। एक नाटककार के रूप में प्रसाद जी ज़्यादा विख्यात हुए। चंद्रगुप्त मौर्य, अजात शत्रु, राज्यश्री, स्कंदगुप्त, करुणालय, विशाखा, ध्रुव स्वामिनी और एक घूंट इनके प्रसिद्ध नाटक है, जहां एक घूंट सामाजिक, वहीं कामना, लाक्षणिक, बाकी सब ऐतिहासिक नाटक की श्रेणी में आते हैं। जयशंकर प्रसाद न केवल कवि और नाटककार थे, बल्कि एक अच्छे कथाकार भी थे। यानी इन्होंने उपन्यास, कहानियाँ, नाटक इत्यादि भी लिखे। 70 से ज़्यादा कहानियाँ 5 खंडों में प्रकाशित हुई, जबकि उन्होंने मात्र 2 उपन्यास, कंकाल और तितली लिखा। इनके अलावा इरावती नामक उपन्यास भी इन्होंने शुरू किया था, लेकिन वो अधूरा ही रह गया। प्रसाद जी के निबंध भी उच्च स्तरीय है, जिनमें कला, कविता, छायावाद आदि के संबंध में उन्होंने अपने विचार प्रकट किए हैं। जीवन के अंतिम 5 साल वे बीमार रहे। उन्हें मंदाग्नि तथा अजीर्ण रोग हो गया। अंत में उन पर 6 रोग का भी आक्रमण हुआ और उसी से वे संवत 1994 में कार्तिक शुक्ल प्रबोधिनी एकादशी को मात्र 48 वर्ष की आयु में स्वर्ग सिधार गए। तो ये था कवि और लेखक जयशंकर प्रसाद जी का जीवन परिचय और साहित्यिक परिचय। तो अगर हम
कथाकार के रूप में जयशंकर प्रसाद को लें तो इन्होंने कहानियाँ, उपन्यास, नाटक लिखे और नाटकों में भी इन्होंने चंद्रगुप्त, स्कंदगुप्त, एक घूंट, ध्रुव स्वामिनी जैसे नाटक लिखे जिनमें ध्रुव स्वामिनी वर्तमान के पट पर इतिहास की झलक दिखाता है। तो आज हम इसी ध्रुव स्वामिनी के बारे में पढ़ेंगे। तो ध्रुव स्वामिनी जयशंकर प्रसाद द्वारा रचित प्रसिद्ध हिंदी नाटक है। यह प्रसाद की अंतिम और श्रेष्ठ नाट्य कृति है। इसका कथानक गुप्त काल से संबद्ध और शोध द्वारा इतिहास सम्मत है। यह नाटक इतिहास की प्राचीनता में वर्तमान काल की समस्या को प्रस्तुत करता है। प्रसाद ने इतिहास को अपनी नाट्याभिव्यक्ति का माध्यम बनाकर शाश्वत मानव जीवन का स्वरूप दिखाया है। यानी इन्होंने अपने इस नाटक की कथा वस्तु तो गुप्त काल के लिए है, लेकिन उसमें जो समस्या इन्होंने अभिव्यक्त की है वो वर्तमान काल की समस्या है। ये कौन सी समस्या है इसके बारे में हम आगे अध्ययन करेंगे। इसमें इन्होंने युग समस्याओं के हल दिए हैं, वर्तमान के धुंधलके में एक ज्योति दी है, राष्ट्रीयता के साथ साथ विश्व प्रेम का संदेश दिया है। इसलिए इन्होंने इतिहास में कल्पना का संयोजन कर इतिहास को वर्तमान से जोड़ने का प्रयास किया है। रंगमंच की दृष्टि से यह नाटक 3 अंकों में विभाजित है और ये इनका सर्वोत्तम नाटक है। इसमें पात्रों की संख्या भी सीमित है, इसके संवाद भी पात्रानुकूल और छोटे छोटे हैं, भाषा पात्रों की भाषा के अनुकूल है। मसलन ध्रुव स्वामिनी की भाषा में वीरांगना की ओजस्विता है। इस नाटक में अनेक स्थलों पर अर्धवाक्यों की योजना है, मतलब वाक्य बीच में अधूरे ही छोड़े गए हैं, जो नाटक में सौंदर्य और गहरे अर्थ की सृष्टि करते हैं। अब हम शुरू करते हैं ध्रुव स्वामिनी नाटक। तो सबसे पहली बात आपको याद करनी है कि ध्रुव स्वामिनी नाटक के लेखक या रचयिता कौन हैं? जयशंकर प्रसाद। और इस नाटक में इन्होंने इतिहास की गुप्त काल की कथा लेकर और उसमें वर्तमान युग की समस्याओं के हल प्रस्तुत किए हैं। तो शिविर का पिछला भाग, ये नाटक का प्रथम अंक है। शिविर का पिछला भाग जिसके पीछे पर्वतमाला की प्राचीर है, यानी एक कैंप या शिविर लगा हुआ है और उसके पीछे पर्वतमाला की श्रेणियां हैं। शिविर का एक कोना दिखलाई दे रहा है, क्योंकि कोई भी नाटक होता है उसका मंचन किया जाता है और उसमें जिस काल की वो घटना दिखा रहा है उस काल के अनुरूप ही वातावरण तैयार किया जाता है। तो इस नाटक की साज सज्जा या शुरुआत होती है शिविर से। एक शिविर दिखाया जाता है, उसके पीछे पर्वतमालाओं की श्रृंखलाएं हैं। तो शिविर का एक कोना दिखाई दे रहा है जिससे सटा हुआ चंद्रा तप टंगा है। मोटी मोटी रेशमी डोरियों से सुनहले काम के पर्दे खंभों से बंधे हैं। 2-3 सुंदर मंच रखे हुए हैं। चंद्रा तप और पहाड़ी के बीच छोटा सा कुंज, पहाड़ी पर से एक पतली जलधारा उस हरियाली में बहती है। झरने के पास शिलाओं से चिपकी हुई लता की डालियां पवन में हिल रही है, यानी सुंदर प्राकृतिक दृश्य का वर्णन है। पर्वतमालाएं, पहाड़ियां और उनके बीच हरियाली और झरना और झरने के साथ ही बेलें, जो जिन्हें लता कहा जाता है, वो हिल रही है। 2-4 छोटे वृक्ष जिन पर फूलों से लदी हुई सेवती, ये लता का नाम है,
सेवती की लता छोटा सा झुरमुट बना रही है। शिविर के कोने से ध्रुव स्वामिनी का प्रवेश होता है। पीछे पीछे एक लंबी और कुरूप स्त्री चुपचाप नंगी तलवार लिए आती है। यानी शुरुआत ध्रुव स्वामिनी से होती है और उसके पीछे पीछे एक स्त्री है वो तलवार लेकर आती है। तो अब ध्रुव स्वामिनी क्या बोलती है, सामने पर्वत की ओर देखकर कहती है, सीधा तना हुआ अपने प्रभुत्व की साकार कठोरता, अभ्रभेदी उन्मुक्त शिखर और इन शुद्र कोमल निरी लताओं और पौधों को इसके चरण में लौटना ही चाहिए ना। तो अब साथ वाली जो तलवार लिए खड़गधारिणी, खड़ग मन तलवार, तलवार लिए जो स्त्री खड़ी है वो कहती है, उससे कहती है, क्यों मंदाकिनी नहीं आई? तो वह उत्तर नहीं देती, वो स्त्री कोई उत्तर नहीं देती। जब ध्रुव स्वामिनी उससे पूछती है कि मंदाकिनी नहीं आई, बोलती क्यों नहीं, यह तो मैं जानती हूँ कि इस राजकुल के अंतःपुर, अंतःपुर मतलब जहाँ रानियाँ निवास करती है, महल का वह हिस्सा जहाँ रानियाँ रहती है उसे अंतःपुर कहा जाता है। तो अंतःपुर में मेरे लिए न जाने कब से नीरव अपमान संचित रहा जो मुझे आते ही मिला, किंतु क्या तुम जैसी दासियों से वह भी नहीं मिलेगा? इसी शैलमाला की तरह मौन रहने का विनय तुम न करो, बोलो। यानी जो तलवार लिए स्त्री खड़ी थी उससे वो कहती है कि तुम चुप क्यों, बोलो। तो वह तलवार वाली स्त्री दांत निकालकर विनय प्रकट करती हुई कुछ और आगे बढ़ने का संकेत करती है। अरे यह क्या मेरे भाग्य विधाता, यह कैसा इंद्रजाल? उस दिन राज महापुरोहित ने कुछ आहुतियों के बाद मुझे आशीर्वाद दिया था, क्या वह अभिशाप था? तो आज की क्लास में इतना ही, क्योंकि बड़ा वीडियो इसमें अपलोड होने में दिक्कत आती है, बाकी हम आगे की क्लास में अध्ययन करेंगे। धन्यवाद।